दोस्तों कुछ भी चलेगा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक तो करिएगा ही, साथ साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यहाँ से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं प्रीपेड कार्ड के बारे में। गाइस प्रीपेड कार्ड डेबिट कार्ड से बहुत अलग होता है। गाइस जैसे आप समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास जियो का सिम है तो वो जियो का सिम भी दो टाइप का होता है, एक प्रीपेड और एक पोस्टपेड। तो ये आपके पास मान लीजिए जियो का प्रीपेड सिम है तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि पहले आप 399 का रिचार्ज कराएंगे जियो पे, तब जाके आप उसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं, उसको नेट यूज़ कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं। सेम प्रीपेड कार्ड भी है। प्रीपेड कार्ड में क्या क्या, पहले हमें टॉपअप करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, या अगर मान लो कि अगर आपके पास प्रीपेड कार्ड अगर है, अगर आप प्रीपेड कार्ड होल्डर हैं तो आपको उसको यूज़ करने के लिए उसमें आपको टॉपअप करना पड़ेगा किसी नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद आप उस प्रीपेड कार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। तो गाइस इससे बेटर होगा अगर प्रीपेड कार्ड के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि गाइस प्रीपेड कार्ड ना तो एयरटेल में पेमेंट्स बैंक में चलती है ना ही तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, जस्ट एज यूजुअल सिर्फ शॉपिंग में जैसे कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। तो गाइस प्रीपेड कार्ड आप भूल के भी एक ऑर्डर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रीपेड कार्ड ऑर्डर कर चुका है बहुत, और कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखो क्या है ना फ्रेंड्स, मेरे को कार्ड कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है तो मैं सारा कार्ड रखा हुआ हूँ मेरे पास। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, बहुत सारा कार्ड है। तो गाइस ये वीडियो उन लोगों के पास पहुँचाइए जो इन सब से अनजान है, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक मेरे को बहुत इंस्पायर करता है और मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।